गोस्वामी का मॉम्स प्राइड स्कूल, जिसकी मान्यता है सिर्फ नगर क्षेत्र की, और ये अपना विद्यालय की शाखा चला रहे हैं ललौरीखेड़ा में, ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि अभिभावकों के साथ में सीधा साधा धोखा है, क्योंकि एक ही मान्यता पर दो जगह विद्यालय नहीं चलाए जा सकते हैं। जब हमने मैनेजर से पूछा तो उन्होंने बताया कि बीएससी ऑफिस के राठौर साहब को हमने अपने इस विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, तो हम सीधे पहुंच गए बीएससी ऑफिस में राठौर साहब के पास। राठौर साहब से जब हमने कहा कि मॉन्स प्राइवेट के मैनेजर साहब ने कहा है कि आपकी अनुमति से, आपके संज्ञान से विद्यालय चल रहा है, तो आइए देखें उन्होंने क्या कहा। साफ मुकर गए कि हमारा कोई रोल नहीं है यहाँ पे। बेसिक में किस कार्य पथ पे है? मैं EURC समन्वयक नगर। अच्छा, जो स्कूलों की मान्यता होती है या बगैर मान्यता के स्कूल चल रहे हैं, मानक है, वो चेक करने का अधिकार किसे है? चेहरे मैं नहीं जाता हूँ, ये तो अधिकारियों के लिए होता है, मानक चेक करें अधिकारी। आपके अधिकार में क्या होता है? हम जो सूचनाएं होती वो संकलित करते हैं, जो सूचनाएं यहाँ आती हैं या शासन से ABS से हमको मार्क कर देते हैं कि ये सूचना संकलित करो, तो वो सूचना संकलित करके भेज देते हैं। लेकिन अभी प्राइवेट स्कूल मॉन्स प्राइड की अगर हम बात करें, मॉन्स प्राइड पीलीभीत शहर में चल रहा है, उन्होंने एक ब्रांच अपनी ललौरीखेड़ा में चलाई है जिसकी कोई मान्यता नहीं है। उनका साफ तौर कहना है कि राठौर जी को हमने बता दिया, राठौर जी की अनुमति से चल रहा है ये। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें केवल हमारे यहाँ नगर क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विद्यालय मॉन्स प्राइड चल रहा है, उसकी हमें जानकारी है, शेष कोई भी जानकारी नहीं। एक चीज़ ये बताइए ना, उन्होंने हमें कभी अवगत कराया है ना हमारे संज्ञान में है। और ललौरीखेड़ा तो नगर क्षेत्र से बाहर है सर, हमारे तो सर्किल में आता ही नहीं है हमारे नगर क्षेत्र, वो तो बाहर है। दूसरे आप ही का नाम उन्होंने क्यों लिया? इतने स्टाफ में बैठे हैं, उनका नाम क्यों लिया? नहीं नहीं सर, मुझे ये क्या ऐसी साठगांठ है? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये जानते हैं कि मतलब उनके सूचनाएं होती हैं जो हमारे यहाँ आती हैं वो हम दे देते हैं। अच्छा राठौर जी, ऐसा क्या संभव है कि हम नगर क्षेत्र में मान्यता लेके और ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम उसी नाम से स्कूल खोलते तो क्या हमें उसकी मान्यता लेनी पड़ेगी क्या? सर ये तो खैर अधिकारी बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मान्यता उस स्थान के लिए ली जाती है कि जहाँ पर वो विद्यालय चलता है, दूसरी जगह चलाया जाता है ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि मैं ठीक से, मुझे जानकारी नहीं, ये बात तो अधिकारी बता सकेंगे सर। तो आपका रोल क्यों आया इसमें? इसमें मेरा कोई रोल नहीं। मॉन्स प्राइड के मैनेजर ने सीधे आपका नाम लिया, हमने राठौर जी को बता दिया। नहीं नहीं सर, उन्होंने गलत कहा है, जो भी कहा है, मेरा नाम उन्होंने लिया तो गलत लिया है, ठीक है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनका कोई विद्यालय चल रहा है कहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऐसे कितने अधिकारियों के इस प्रकार जी? आइए देखें कि BSA साहब का इस मामले में क्या कहना है, क्या कहते हैं वो इस सब बारे में, और उनकी राय भी जानें। साहब, ये जो मॉम्स प्राइड स्कूल चल रहा है, इसकी नगर क्षेत्र की मान्यता है और ललौरीखेड़ा ब्लॉक में ये स्कूल चल रहा है गैर मान्यता, और उसका स्कूल प्रबंधक का ये कहना है कि हमने आपके जो कार्यरत राठौर जी हैं उनसे हमने कह रखा है। इसमें मैं कहना चाहूंगा, इसमें कोई राठौर की भूमिका नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारे यहाँ अगर मान्यता है तो जहाँ जहाँ के लिए मान्यता है वही स्कूल चलेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो अब इनके खिलाफ आपने बता दिया, अपने अधिकारियों के माध्यम से दिखवाएंगे सच्चाई, अगर अब ऐसा है तो उनके खिलाफ जो भी विभागीय कार्रवाई होगी करें। अच्छा,